ध्यान क्या करना है, अनुनादी आवर्ती एफ आर का मान हमें ज्ञात करना है यहां पर। तो इसके लिए किस प्रकार से होगा, इनमें समान एफ आर इक्वल 1/2 पाई एल सी रूट में आ जाएगा। एफ आर 2 पाई एल का मान हम रख देंगे 0.25 इंटू सी का मान 1 माइक्रोफेरेड, तो 1 × 10⁻⁶ एफ आर। अब हम इसको 2 पाई को 3.14 के रूप में लिखेंगे, 2 × 3.14 0.25 और 10⁻⁶, इसका 2 पॉइंट हटा के यहां पर ऊपर कर देंगे तो 8 हो जाएगा और इसका जो रूट आएगा वह 5 आएगा। तो 5 × 10⁻⁴। अब इसको हल करने पर जो आवर्ती का मान आएगा एफ आर बराबर 318.5 हर्ट्ज, ये हमारे पास में अनुनादी आवृत्ति का मान प्राप्त होगा। इसके द्वारा एफ आर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रत्यावर्ती विद्युत दाब बल और धारा के लिए दोनों समीकरण दी हुई है। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल तथा धारा दोनों के लिए हमें समीकरण दी है। समीकरण का मान है ई 100 sin ओमेगा के लिए यहां पर वैल्यू दी है 314 t, ये इसके लिए वैल्यू है। दूसरी हमें धारा के लिए वोल्ट, धारा के लिए यहां पर I0 की वैल्यू नहीं दी है, साइन की वैल्यू दी है, साइन ओमेगा की वैल्यू यहां पर 314 t प्लस पाई बटे में 3 के रूप में कालांतर का मान दिया हुआ है एम्पियर धारा का मान। तो हमें यहां पर इसके मान याद करने हैं, सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा के लिए आवर्ती, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति का मान ज्ञात करना है। सेकेंड पॉइंट है, इसमें हमें ई आर एम एस व आई आर एम एस के मान ज्ञात करने व आई आर एम एस, और थर्ड क्वेश्चन है हमें शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक कोस फाई के रूप में शक्ति गुणांक का मान ज्ञात करना है और औसत शक्ति। ये हमें सारी वैल्यू यहां पर इन फॉर्मूले की सहायता से यहां पर ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो हमें इन समीकरणों की यहां पर तुलना करेंगे। तुलना किस प्रकार से, तो इसकी तुलना करेंगे E बराबर E0 साइन ओमेगा टी के द्वारा, और इसकी दो तुलना करेंगे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई के द्वारा।